हेलो दोस्तों, राधा स्वादा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ व्रत के लिए बहुत ही स्पेशल साबूदाना खीर, जिसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और बिल्कुल परफेक्ट ये बिल्कुल रबड़ी जैसे साबूदाना खीर बनके तैयार होगा। सिर्फ 1.5 गिलास दूध से हम इसे बनाएंगे और यहाँ पे देखिए इसके हर एक दाने बिल्कुल मोती जैसे खिले खिले से हैं। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं साबूदाना का खीर कैसे बनाया जाता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साबूदाना का खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास दूध लिया है। दूध को हम यहाँ पे कढ़ाई में डाल देंगे। मैं यहाँ पे गाय का दूध का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो भैंस का दूध या फिर पैकेट का दूध यूज़ कर सकते हैं। और दूध में हम अच्छे से उबाल आने देंगे। दूध को मैं यहाँ पे इसे लगातार चला रही हूँ, इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। हम इसे इस एक बार अच्छे से चला देते हैं ताकि इसकी जो मलाई है वो दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे साबूदाना। मैंने यहाँ पे 1/2 कप साबूदाना लिया है। साबूदाना को मैंने 5 घंटे पहले थोड़े से पानी में फूलने के लिए रख दिया था। और देखिए फूल के बिल्कुल इसके दाने बिल्कुल मोती जैसे हो गए हैं। इसे हम यहाँ पे डाल देते हैं। आप चाहे तो साबूदाना को ओवरनाइट भी रख सकते हैं फूलने के लिए, बट इसे थोड़े से पानी में ही फूलने के लिए रखना है। अब मैं इसे लगातार चलाते हुए पकाऊंगी। गैस का फ्लेम हम मीडियम या फिर हाई पे रख सकते हैं और लगातार चलाते हुए पकाएंगे। साबूदाना का खीर बहुत ही झटपट से बनके तैयार हो जाता है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे साबूदाना का खीर तो इसे बनने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, लगभग 2 मिनट चलाने के बाद देखिए साबूदाना बिल्कुल ऊपर आ गया है दूध के ऊपर। अब मैं इसमें डाल दूँगी 5 से 6 काजू को मैंने कट करके डाला है और थोड़े से बादाम मैंने डाले हैं। आप यहाँ पे चाहे तो किशमिश भी डाल सकते हो। और थोड़े से मैं यहाँ पे केसर के धागे डाल रही हूँ। इससे साबूदाना में एक अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा और बहुत ही प्यारा सा कलर भी आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से मैं अब इसे 4 से 5 मिनट और पकाऊंगी। गैस का फ्लेम मीडियम पे रखेंगे और लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कितना जल्दी से ये साबूदाना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो गया है, बिल्कुल मोती जैसे खिल गए हैं। और इसे पकाते हुए मुझे 5 मिनट का टाइम हुआ है अभी। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज़्यादा, जितना आप पसंद करते हैं मीठा खाना उसी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 कप से थोड़ा सा कम चीनी डाला है। और अब हम इसे लगभग 2-3 मिनट और पकाएंगे। तो चीनी डालने के बाद ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा, उसके बाद हम इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इस साबूदाना के खीर को आप किसी भी व्रत में उपवास में बना के खा सकते हो, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए टोटल हमने इसे 7 मिनट पका लिया है और ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। मैं इसका आपको टेक्सचर दिखा रही हूँ। इसका दाना बिल्कुल एक एक दाना बिल्कुल मोती जैसा है देखिए, और बिल्कुल इसी तरह से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर साबूदाना इस तरह का ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, यानी अभी साबूदाना कच्चा है, बट ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसे हाई फ्लेम पे 1 मिनट पकाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हाई फ्लेम पे मैंने 1/2 मिनट के लिए इसे पकाया और ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट ये खीर बनके तैयार हो गया साबूदाना का। तो अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, नवरात्रि स्पेशल हमारा ये साबूदाना खीर बनके तैयार हो गया है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना है, बिल्कुल रबड़ी जैसी गाढ़ी बनी है और इसके हर एक दाने साबूदाना का बिल्कुल खिला खिला सा बना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से साबूदाना की खीर इस नवरात्रि आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको ये खीर की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं और इसी तरह की नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।